तुम अपनी फाइल मुझे दो। खन्ना भैया, मैंने सब सुन लिया। तुझे ये जॉब भी नहीं मिली ना, ऐसे ही होता है, बिना पहचान की जॉब नहीं मिलती। लेकिन तू चिंता मत कर, अब हम वहीं ट्राई करेंगे जहां हमारी पहचान होगी। मतलब? मतलब सिंपल है, मैं तुम्हारी फाइल अपने बॉस को दिखाऊंगा। उनके घर में दो दो शादियां हैं, इनफैक्ट आज शाम को तो उनका रोका भी है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सच्ची? आपको लगता है मुझे वो जॉब मिल जाएगी? अरे मैं बोलूंगा ना अपने बॉस को, वो मना ही नहीं करेंगे। खन्ना भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कमाल करती हो, एक तरफ भैया भी बोलती हो, राखी भी बांधती हो, और एक ही मिनट में बेगाना बना के थैंक यू भी बोलती हो। चलो लाओ फाइल दो मुझे। देखना, जैसे ही मेरे बॉस तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम देखेंगे ना, झटाक से पूछेंगे ये अनिका त्रिवेदी है कौन। उस नौकरी से उम्मीद थी, वो भी नहीं मिली। हेलो जी, बोल रही हूँ जी। आई थी लेकिन क्या वो नौकरी अभी भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हाँ मैं अभी आ जाती हूँ। हाँ जी, वो फाइल भी मैं ले आऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। खाना सर, वो बोलो सर, वो मेरे मोहल्ले में एक लड़की है। तो सर वो साफ साफ बताओगे क्या बात है? सर वो दरअसल, सर आज बोलोगे? सर घर में शादी है ना सर। सो? तो सर कुछ नहीं सर, मेरा कहना मतलब था कि सर आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप प्लीज ये एक बार फाइल देख लीजिएगा, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। खन्ना भी अजीब है, क्या फाइल है, किस चीज की फाइल है? ये तो चमत्कार हो गया, श्यामली मल्होत्रा की कंपनी सामने से फोन करे। अब इससे पहले वहां कोई और पहुंच जाए मुझे भागना चाहिए। लेकिन वो फाइल तो खन्ना भैया के पास है। बिल्लू बेटा। जी दादी। ये देख डायमंड सेट, टिया को रोके पर देना है। कैसा लगा? सही होगा दादी। मैं जानती हूँ बेटा, तू शादी मेरी खुशी के लिए कर रहा है। आज तुझे प्यार पे विश्वास नहीं है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू सच्ची इश्कबाजी में पड़ जाएगा, फिर तू अपने प्यार के बिना रह नहीं पाएगा। उसके बिना तेरे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। खन्ना भैया मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा वो फाइल लेने के लिए। रिक्शा, थोड़ा जल्दी चलाइए ना।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, 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 शिवाय। कौन है ये? नाम कभी सुना नहीं। तुम हाँ हम, और जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती हम नॉक किए बिना ही अंदर आएंगे। चलें, शो टाइम, कम ऑन। सुंदर लग रही है, जिंदी रहे, बसती रहे, जवानियां मान। भाभी, सच मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे शिवाय की जिंदगी का हिस्सा बनने आ रही है। सोचा था कि धूमधाम से रोका करूंगी शिवाय का, पर क्या करूं, पंडित जी ने मुहूर्त ही आज का निकाल दिया। तेरे मॉम डैड और भैया के लिए इंतजार भी नहीं कर पाए। दादी ठीक है ना, अब दो दिन बाद वो सब आ ही रहे हैं, तब हम कुछ प्लान कर ही लेंगे। हाँ? तुझे बड़ी खुशी है इन लोगों के रोके की? हाँ। मुझे पता है क्यों है तुझे इतनी खुशी। दादी सब जानती है।